मैं विनीत कुमार द्विवेदी जीएस महाविद्यालय सहलसारी औरैया से डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर, विषय है आपका सामाजिक अध्ययन, इसमें आपका पाठ है नागरिक शास्त्र ग्रामीण जीवन। ग्रामीण जीवन में हम सभी लोग रहते हैं, रहने के लिए जो हमारा स्थानीय स्वशासन होता है, शासन होता है, उस शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें कुछ नियम और कानूनों की आवश्यकता होती है, जो हमारे संविधान के द्वारा प्रदत्त नियम कानून हैं। इन नियम और कानूनों में कुछ चीज़ें ऐसी बनाई गई हैं जो सही तरीके से अपने कार्यों का निर्वहन करें और उन कार्यों को सही तरीके से चलाएं। इन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए आपका एक आता है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत की सुचारू व्यवस्था को चलाने के लिए शासन व्यवस्था, जिसमें स्थानीय लोग अपनी अहम भूमिका निभाते हैं, स्थानीय लोगों में जनता अपने कार्यों का निर्वहन करती है, जनता निर्वहन करती है और जनता के द्वारा ग्राम पंचायत का प्रतिनिधित्व करने वाला ग्राम प्रधान होता है, जो पूरे पंचायत की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाता है। प्रधान का निर्वाचन जनता द्वारा होता है, 5 वर्ष के लिए होता है। ऐसी व्यवस्था को सही तरीके से सुचारू रूप से चलाने के लिए लोकतांत्रिक परंपराओं को स्थापित करने में जनता सहायक होती है। हमें एक अच्छे भावी नेतृत्व करने वाला व्यक्ति जनता को देना होता है, जो जनता सही तरीके से जिसका निर्वहन करे, प्रशासनिक शक्तियों का भी निर्वहन करे। ऐसे हमें पंचायत के प्रतिनिधित्व का अवलोकन करना चाहिए। एक ग्राम सभा की कार्यकारिणी की बैठक होती है, जो बैठक प्रधान या उपप्रधान के नेतृत्व में होनी चाहिए। वाई दफ है अगर प्रधान नहीं है तो उस बैठक का नेतृत्व उपप्रधान कर सकता है। पूरी पंचायत में कम से कम 7 या 15 सदस्य होते हैं, कम से कम 7 सदस्य या 15 सदस्य होने चाहिए। ये सदस्य बैठक में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं और किसी भी बैठक को करने के लिए पंचायत में
पूरे पंचायत में एक डुगडुगैया पिटवाई जाती है, एक समय का निर्धारण किया जाता है, एक तारीख दी जाती है, उस तारीख को जनता के लोग पूरी जनसभा इकट्ठी होती है और पंचायत के लोग वहाँ पर इकट्ठा होते हैं और अपनी समस्याओं का अवलोकन करते हैं। जो भी समस्या होती है उस समस्या का निर्धारण प्रधान द्वारा, क्योंकि प्रधान मैन होता है, हेड होता है प्रधान, प्रधान को अपनी समस्याओं का निर्धारण करने के लिए उसको समस्याएं बतानी चाहिए, जो समस्याओं को दूर करेगा और पंचायत में सही तरीके से कार्य करेगा। जो